स्वागत है दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th के MCQs। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इन्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहा जाता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें से एक अक्षमता नहीं है, तो इसमें हमें तीन अक्षमता दे दी गई होंगी और एक अक्षमता नहीं है, तो उस एक अक्षमता को हमें जो अक्षमता नहीं है वो बताना है हमें। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। इसमें से पहले देखिए कै, सुनना। तो सुनना अगर किसी को सही से सुनाई नहीं देता हो तो वो एक अक्षमता है। खै देखिए बोलना, अगर किसी को बोलने में दिक्कत होती हो तो ये भी क्या है, एक अक्षमता है। और गै देखिए देखना या फिर देखने, तो जो देखना है अगर किसी को देखने में कोई प्रॉब्लम है, अगर वह ठीक से नहीं देख पाता तो ये भी एक प्रकार की अक्षमता है। अब देखिए गह, ADHD, तो जो ADHD है वो विकार के प्रकार में आता है, तो ये अक्षमता नहीं है, ये विकार का प्रकार है। तो ये क्या है, इसका सही आंसर है गह, जो इसका गह है वो कैसा सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अक्षमता के लिए उपयोग किया जाने वाली उपयुक्त तो शब्द है। अब जो अक्षमता शब्द है उसके लिए कि हम किसी व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि वो अक्षम है, तो हम उसे ये नहीं दर्शाएंगे कि वो किसी चीज के लिए क्या है, अक्षम है, उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, तो हम ये बात उसे बोलकर उसे बुरा फील नहीं करवाएंगे। तो इसके लिए अक्षमता उसके स्थान पर कौन सा वर्ड है जो हम उसे बोल सकते हैं, हम उसे दिव्यांग बोल सकते हैं। तो इसमें जो गै ऑप्शन है, दिव्यांग, वो इसका सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञात्मक अक्षमता व्यक्ति के डैश रुकावट करती है। जो संज्ञात्मक अक्षमता होती है वो क्या होती है, वो होती है कि एक व्यक्ति सही से कोई भी चीज सीख नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, तो उसे संज्ञात्मक अक्षमता कहा जाता है। तो इसे पूछ रखा है कि जो संज्ञात्मक अक्षमता है, उस जिसके अंदर संज्ञात्मक अक्षमता है उस व्यक्ति के डैश रुकावट करती है। तो संज्ञात्मक अक्षमता क्या करती है, व्यक्ति के कार्य करने की किस चीज की रुकावट करती है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। इसमें क्या ऑप्शन देखिए, सीखना, तो सीखना हमें बोला है कि व्यक्ति का कुछ भी चीज सीखना या फिर याद रखना। तो अब आगे के जो ऑप्शंस हैं वो भी देख लेते हैं। खै देखिए बोलना, तो बोलना भी हमने बोला अगर बोलने में कोई रुकावट हो। अब गै देखिए कौशल, समस्या, तो इसमें हमें जो तीन ऑप्शन हैं, सीखना, बोलना और चलना, वो तीनों के तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, उसके साथ में क्या दे रखा है, कौशल, समस्या। तो ये क्या इसका सही आंसर होगा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर वाले तो क्या है इसके संज्ञात्मक अक्षमता के बारे में बता रखा है, सीखना, बोलना, चलना, पर हम कौशल समस्या, जो इसका गै है, कौशल समस्या को ही सही आंसर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें शामिल हो जाती है, सीखना, बोलना, याद रखना, इन सारी चीजों के जो कौशल है, मतलब कि जो सारी की सारी चीजें उनकी समस्या होना, तो कौशल समस्या, तो इसका सही आंसर है गै। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है अक्षमता के प्रकार। तो इसमें जो अक्षमता का प्रकार, इसमें एक ऐसा प्रकार दे दिया गया है जो अक्षमता का प्रकार है। तो चलिए इन चार ऑप्शन में चेक करते हैं वो कौन सा है। क्या देखिए शारीरिक अक्षमता, तो जो अक्षमता है वो कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहली संज्ञानात्मक अक्षमता, दूसरी बौद्धिक अक्षमता, तीसरी शारीरिक अक्षमता। तो जो इसमें शारीरिक अक्षमता है वो क्या इसका सही आंसर है, क्योंकि ये एक अक्षमता का क्या प्रकार है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बौद्धिक अक्षमता का मुख्य कारण डैश। तो जो बौद्धिक अक्षमता है उसका मुख्य कारण पूछ रखा है, तो चलिए देखते हैं क्या है, टीकाकरण। टीकाकरण भी जो है बौद्धिक अक्षम, जो बौद्धिक अक्षमता है उसका मुख्य कारण, प्रमुख कारण नहीं कहा जा सकता है। खैर देखिए कुपोषण, तो जो कुपोषण है वो क्या है, बौद्धिक अक्षमता का मुख्य कारण है, क्योंकि जो गरीबी के कारण क्या होता है, व्यक्ति अपने बच्चों को या खुद को पूर्ण रूप से पोषण, जितना पोषण की आवश्यकता होती है, जितने पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है शरीर को, उतने पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बौद्धिक अक्षमता की समस्या होती है, तो बौद्धिक अक्षमता होती है उसके कारण। तो इसका जो खै है कुपोषण, वो इसका सही आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है मिलान कीजिए, मैचिंग दे रखी है। इसमें चलिए देखते हैं पहला संज्ञानात्मक अक्षमता, चलिए उसको ऑप्शन चेक करते हैं उसमें से कौन सा है। कह देखिए देखना तथा सुनने, सुनने की हानि, तो देखने और सुनने की जो हानि है वो इसका सही नहीं है। जो संज्ञानात्मक अक्षमता है उसका कौन सा ऑप्शन है, बी है, याद तथा अतिक्रियाशीलता,
तो जो याद तथा अतिक्रियाशीलता मतलब किसी भी चीज को याद करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो इसे संज्ञानात्मक अक्षमता कहा जाता है। उसके अंतर्गत क्या होता है, याद करने की किसी चीज को बोलने की वो अक्षमता होती है। तो फर्स्ट वाले का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाले का होगा बी। नेक्स्ट देखिए बौद्धिक अक्षमता, सेकंड बौद्धिक अक्षमता। तो जो बौद्धिक अक्षमता है उसके ऑप्शन चेक करते हैं उसमें से कौन सा है बौद्धिक अक्षमता। अब इसमें जो थर्ड तर्क तथा समस्याओं का हल सीखना, तो ये क्या है बौद्धिक अक्षमता है। इसमें क्या होता है बौद्धिक अक्षमता के दौरान क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो तर्क वितर्क करने में या फिर किसी भी समस्या को हल करने में क्या होता है निपुण नहीं होता है, वो सही से तर्क वितर्क नहीं कर पाता है और समस्याओं को सही से सुलझा नहीं पाता है। तो इसका क्या होगा, तो सेकंड वाले का कौन सा है, सेकंड वाले का सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखिए शारीरिक अक्षमता, जो शारीरिक अक्षमता है उसका ऑप्शन जो ए बच गया है वो इसका सही आंसर है। पर क्यों है ऐसा शारीरिक अक्षमता, इसमें क्या होता है व्यक्ति किसी चीज को देखने या सुनने में की हानि। तो इससे क्या होता है कि जो शारीरिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके अंदर या तो देखने की शक्ति कम होती है या फिर किसी चीज को सुनने की शक्ति कम होती है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है एसपीडी का पूरा नाम, तो एसपीडी का पूरा नाम पूछ रखा है इन्होंने। चलिए इसका ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है। पहला विशेष पुलिस विभाग, तो ये तो नहीं है एसपीडी का पूर्ण नाम मतलब किसी फुल फॉर्म पूछ रखी है और ये हमें हिंदी में नाम दे रखी है इसी फुल फॉर्म। तो चलिए देखते हैं एसपीडी की फुल फॉर्म होती है संवेदी प्रसंस्करण विकार। तो जो इसका थर्ड इसमें ऑप्शन दे रखा है वो क्या है संवेदी प्रसंस्करण विकार, तो ये क्या इसका सही आंसर है। तो आप याद कर लीजिए हर विकार की फुल फॉर्म इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति का वाक्य को बार बार दोहराना डैश विकार है। तो हमने जब पढ़ा था ओसीडी, ओसीडी में क्या करता था व्यक्ति किसी भी चीज को करने को वो बार बार करता था हर चीज को। मान लीजिए कि अगर किसी चीज की गिनती कर रहा है तो उसे बार बार गिनता था। अगर वह झाड़ू मार अगर उस मान लीजिए झाड़ू मारता तो वो बार बार साफ करता मतलब सफाई भी बार बार करता था। तो इसमें क्या होता है व्यक्ति हर काम को बार बार करता है। तो ओसीडी में ही ऐसा होता है कि व्यक्ति हर काम को बार बार दोहराता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा अपने आस पड़ोस के साथ अच्छे से सहयोग नहीं करता है। अगर बच्चा अपने आस पड़ोस वालों से अच्छे से बातचीत नहीं करता है, सहयोग मतलब क्या है सहयोगी नहीं करता है मतलब कि अपने आसपास के जो भी वातावरण चाहे माता पिता आते हो चाहे समाज आता हो उसमें चाहे विद्यालय मित्र गण आते हो चाहे कोई भी आता हो तो उनसे अच्छे से पेश नहीं आता है, अच्छे से वार्तालाप नहीं करता है और अच्छे संबंध नहीं बनाता है, तो ये कौन सा विकार है। अगर आपको इनकी विशेषताएं पता होंगी तो आपको इसका आंसर आता होगा। तो इसमें देखिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है ओडीडी वो क्या इसका सही आंसर है। बच्चा क्या करता है ओडीडी जो विकार हो जाता है अगर किसी को भी, ये ज्यादातर बच्चों के लिए कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने आस पड़ोस से संबंध अच्छा बनाकर नहीं रखते हैं इस विकार के कारण। तो ओडीडी एक ऐसा विकार है जिसके संपर्क में आने से जो बच्चा है वो अपने आस पड़ोस से अच्छा व्यवहार नहीं दिखाता, तो इसका थर्ड ओडीडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एडीएचडी का पूरा नाम लिखिए। इसमें हिंदी में नेम दे रखे है मतलब फुल फॉर्म जो दे रखी है एडीएचडी की वो हिंदी में दे रखी है, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आनी चाहिए फुल फॉर्म। तो देखते हैं एडीएचडी की पूरी फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। इसमें जो इसका सेकंड ऑप्शन दे रखा है एडीएचडी का वो क्या है करेक्ट आंसर है अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। तो ये क्या है इसका पूरी फुल फॉर्म है एडीएचडी की अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, तो आपको इनकी जो फुल फॉर्म है वो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर विकार के कारण नहीं है। अब इसमें चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें तीन क्या होंगे विकार के कारण होंगे और एक क्या है विकार का कारण नहीं है, वही हमें इसका सही आंसर बताना। चलिए देखते हैं पहला अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता क्या होती है, जो माता पिता के द्वारा जो बच्चों के अंदर जीन्स आते हैं वो होती है अनुवांशिकता। तो अगर माता पिता में से किसी को भी ये विकार की समस्या है तो बच्चे को भी ये विकार की समस्या होना स्वाभाविक है। तो ये वाला क्या है इसका कारण है विकार का, तो ये ऑप्शन से कट हो जाएगा। दूसरा देखिए वातावरण, तो हमारा जो आसपास का वातावरण है उससे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर घर में झगड़ा होता है माता पिता आपस में झगड़ा करते हैं तो इससे क्या होता है जो बच्चा होता है उसके ऊपर असर पड़ता है, तो विकार होने की संभावना उसको भी होती है, तो ये भी कारण है विकार का।
तीसरा देखिए मस्तिष्क का कम विकास। तो जो मस्तिष्क माइंड है, मतलब कि जो माइंड होता है बचपन में, क्या होता है बच्चे का जो मस्तिष्क है उसका क्या होता है, बहुत कम विकास होता है। जन्म से ही उसके मस्तिष्क का कम विकास होता है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, विकार की समस्या हो सकती है। ये भी कारण है विकार का। तो इससे देखिए आपके तीन कारण तैयार हो गए हैं विकार के। तो इससे क्या हो रहा है, आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी रेडी हो रहा है, और इसी के साथ साथ आपका एक एमसीक्यू का क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है। अब चलिए इसका फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, संतुलित विकार। तो संतुलित विकार, ऐसा तो कोई भी विकार नहीं है और ना इसका कोई कारण बन रहा है, तो ये क्या इसका इनकरेक्ट आंसर होगा। विकार के कारण पूछे जाएंगे तो इसका इनकरेक्ट आंसर होगा, पर अब इसमें क्या पूछेगा, विकार का कारण नहीं है, तो ये क्या है, विकार का कारण नहीं है संतुलित विकार, तो ये क्या होगा, सही आंसर होगा फोर्थ, संतुलित विकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों से शारीरिक स्वास्थ्य सुधार होता है। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, अगर उनको शारीरिक गतिविधियां मतलब शारीरिक क्रियाकलाप करवाए जाएं, शारीरिक व्यायाम करवाए जाएं, तो उनसे उनके जो स्वास्थ्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रखा है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसका क्या ऑप्शन। हृदय को मजबूत बनाता है, अगर किसी भी व्यक्ति को व्यायाम करवाया जाता है तो उससे क्या होता है, उसका जो हृदय होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है, हृदय अच्छे से कार्य करना स्टार्ट कर देता है शारीरिक गतिविधि कोई करता है तो ये वाला क्या है, हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि ये विशेष बच्चों के लिए करवाया जा रहा है, हमें बस ये देखना है कि व्यायाम के कौन से लाभ है, तो ये भी एक व्यायाम का लाभ है। अब खैर देखिए, अस्थियां मजबूत होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, अस्थियां मतलब हड्डियां, अगर हम नॉर्मली व्यायाम करते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं, तो अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे करेंगे तो उनकी भी हड्डियां मजबूत होंगी, ये भी करेक्ट आंसर है। गए देखिए, शरीर पर नियंत्रण नहीं होता, तो ये तो कोई इसका लाभ नहीं हुआ कि शरीर पर उसका ही नियंत्रण ना रहे, ये तो उसकी हानि होगी, तो ये ऑप्शन से कट हो जाएगा। अब घय देखिए, घय रखा है कै तथा खै दोनों। अब हमने क्या बताया था, कै वाला ऑप्शन भी सही है और खै वाला भी ऑप्शन सही है, तो इसका जो घय ऑप्शन में दे रखा है, दोनों के दोनों ऑप्शन दे रखे हैं कै और खै, तो घय क्या होगा, तो सही आंसर होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करनी होगी। अगर आपको अच्छे समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन में आ सके। थैंक यू।